मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन देखेंगे, पहला नंबर 3 + √7 और बाई में है 3 - √7 इक्वल टू है a + b√7। इसका परिमेयकरण करना होगा हर का। 3 + √7 बटा में आएगा 3 - √7 इंटू करेंगे 3 + √7 से ऊपर भी और नीचे भी हर का परिमेयकरण करने के लिए। चलिए ऊपर ऊपर इंटू करिएगा आप यहाँ पे, तो 3 * 3 = 9, फिर 3 √7, फिर 3 √7 और √7 में √7 से तो 7 इंटू हो गया। नीचे हो जाएगा a² - b² इक्वल में है a + b√7। तो इसको इसमें 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 3 * 3 = 6√7। 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, a + b√7। चलिए अगले स्टेप में यहाँ लिख सकते, इधर ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए, 8 + 3√7 बट्टा में हो जाएगा 2, घटेगा ना, इक्वल टू में है आपका a + b√7। 2 से 2 काट दीजिए। अब इसके बाद ये बच गया, तो अब हम लोग 8 + 3√7 बराबर आ गया है a + b√7, है ना। तो अब क्या करेंगे, अंश है ना, देख रहे ना यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, है ना, परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर, चलिए अलग अलग करके देखते क्या हो जाता है। यानी a बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से b√7 बराबर हो जाएगा 3√7। तो √7 जाएगा भाग में, यानी 3√7 और बटा में √7, ये कट गया। b बराबर 3 आ गया और a बराबर 8 आ गया। समझ गए यहाँ से। इसका सेकंड नंबर